अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज एक और नई रेसिपी जो है खस्ता आलू की पूड़ी और आलू की क्रिस्पी सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कचौरी का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 कप जितना आटा लिया है, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून जितना नमक लिया है और 4 टेबल स्पून यानी 4 बड़े चम्मच जितना मैं इसमें घी ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो घी तेल मिक्स करके भी ले सकते हैं। और इससे पहले अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, इसे इस तरह से मिलाते हुए करना है। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ तक का करना है। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मैं कर ली हूँ मिक्स। अच्छी तरह से जो घी है और जो मैदा है वो सब मिक्स हो गया है। इसे इस लेवल तक करना है कि इसका जो है हम लोग जब मुट्ठी बनाएं तो ये इस तरह से बन जाए, ये इसकी पहचान है। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर सख्त आटा गूंद लेंगे। ये आटा रोटी के आटे से सख्त होगा, पूड़ी के आटे से भी थोड़ा सख्त ही होना चाहिए ताकि ये क्रिस्पी और कुरकुरी बने। चलिए इसे गूंद लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये आटा जो है हो गया है, अभी काफ़ी सख्त है। थोड़ी देर के बाद इसे रख लेते हैं ताकि थोड़ा ये भिगे और नरम हो जाए। 10 मिनट के लिए इसे रखते हैं, तब तक इसकी स्टफिंग जो है हम लोग वो रेडी कर लेंगे। कचौरी की स्टफिंग के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने उबाल के आलू को छील के इसे कट कर लिया है। ये साइज़ में 3 बड़े साइज़ के हैं। वेट आप अगर करेंगे इसको तो ये तकरीबन 400 ग्राम है। और साथ में मुझे लगेंगे धनिया पत्ती और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। हींग लगेगा मुझे 2 चुटकी, 1/2 टीस्पून मुझे लगेगा कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून की जितना मुझे लगेगा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ही मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून ही धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ही सौंफ, 1/2 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक और 1 से 2 मिर्ची मैंने यहाँ बारीक कट करके ले ली हैं। और साथ में इसे भगाने के लिए लगेगा तेल। आप चाहे तो तेल या घी जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। नमक और मिर्ची हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा लगेगा मुझे नींबू का रस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो है आलू को मैश कर लूँगी और उसके बाद सीधा हम लोग जो है कढ़ाई में चलते हैं तड़का लगाने के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच भर के तेल लिया है 1 टेबल स्पून, और वो गरम कर ली हूँ, वो गरम हो गया है। अब मैं इसमें जो है ज़ीरा, हरी मिर्चें, सौंफ और कसूरी मेथी ये डाल दूँगी और थोड़ा सा मिक्स होने देंगे इसको हम लोग। आप लोग चाहें तो इसमें कुटा हुआ धनिया वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें तमाम मसाले जो है ये डाल के सिर्फ थोड़े सेकंड के लिए ही इसे मिक्स कर लूँगी। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब आंच धीमी रख के आलू जो है ये मैश करके मैं इसमें डाल दूंगी। सारे आलू डाल दिए मैंने। अब धीमी धीमी आंच पे ही इसे हम लोग इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। मैं यहाँ पर मिक्सर ली हूँ, आप लोग चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो चुका है। अब गैस बंद कर दूंगी मैं और इसमें डाल देंगे हम लोग कोथमीर बारीक कटी हुई और साथ में नींबू का रस, और इसे मिक्स करके ठंडा होने देंगे। ये देखिए, मिक्सचर को मैंने बर्तन में शिफ्ट कर लिया है, इसे ठंडा होने देंगे। और इसी पैन में अब हम लोग सब्जी की तैयारियां शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की हैं। ये मेरे पास 3 से 4 सौंफ लौंग हैं और 3 से 4 काली मिर्चें हैं। इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है ये इस तरह से। तो हम लोग ये पहले इसी से शुरुआत करेंगे। इसमें डाल देंगे हम लोग ये, आँच धीमी ही रखना है क्योंकि तमाम चीज़ें हम लोगों को डालनी हैं। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ, कुछ कड़ी पत्ते। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 ली है मैंने। एक चम्मच जितना मैं इसमें लूंगी राई,
आप लोग चाहे तो राई का ऑप्शन कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच जितना मैं लूंगी इसमें जीरा, सबको तड़कने देंगे अच्छे से। सारी चीजें भुन गई हैं, अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच जितना मैदा बेसन। देखिए कितने अच्छे से इसमें झाग आ रहा है। अब तमाम चीजों को हम लोग मिला लेंगे। बेसन को अच्छी तरह से भुनने तक हम लोग इसे मिला लेंगे। तब तक हम लोग जो है आलू को मैश कर लेंगे। आंच मैंने धीमी ही रखी है, इसे 1 से 2 मिनट लगेगा बेसन को भुनने के लिए। देखिए बेसन अच्छी तरह से भुन गया है, काफी अच्छा ब्राउन हो गया, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम लोग अपने तमाम मसाले डाल देंगे। सबसे पहले ड्राई मैंगो पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर आधा आधा चम्मच दोनों मैंने लिया है। यहाँ 1 चम्मच भर के मैंने नमक लिया है। नमक मैं बाद में टेस्ट करूंगी, कम या ज्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट करूंगी। आधा टीस्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर मैं लूंगी 1/2 चम्मच, और इस तमाम चीजों को हम लोग कर लेंगे एक बार मिक्स। यहाँ पे हल्का सा टच देने के लिए मैं यहाँ पर गरम मसाला भी डाल दूंगी। गरम मसाला टोटली ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी, और इसे हम लोग कर लेंगे मिक्स। अब इसमें हम लोग डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, मसाला भुन गया है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे हम लोग। पहले थोड़ा ही डालेंगे, बाकी जो है हम लोग बाद में डालेंगे। तरह से ये देखिए मसाले जो है अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें मैं हमारे उबले हुए आलू डाल दूंगी, ये भी 400 ग्राम है, यानी जितना मैंने कचौरी के लिए लिया उतना ही है। अब हम हमारा जो है ये मिक्सर लेके इससे जो है हम लोग इसको मैश करेंगे। आप लोग चाहे तो पहले मैश करके और फिर भी मिला सकते हैं, चाहे तो इसमें पकाते पकाते भी मैश कर सकते हैं। चलिए मैं तमाम मैश कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए आलू जो है मैश्ड हो गए हैं, रफली मैश करना है इसे, एकदम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अब इसमें जो है हम लोग डाल देंगे तकरीबन 3 ग्लास भरकर पानी, और इसे पकने देंगे। इसे जो है चलाते हुए इसी से हम लोग जो है मिक्स करेंगे, ताकि जो और बड़े बड़े पीसेस है आलू के वो भी तमाम के तमाम जो है क्लियर हो जाए। अब तेज आंच पे इसे एक बार इसे जो है बॉईल आने देंगे, और उसके बाद आंच धीमी करके इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और उसके बाद जो है इसमें कोथमीर और नींबू का रस मिला देंगे हम लोग, और ये सब्जी हमारी जो है रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसका फाइनल लुक दिखा देते हैं और हम लोग अपनी कचौरी की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी में जो है हल्का हल्का सा बॉईल आने लगा है। अब इसे मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ धीमी आंच करके, क्योंकि अब जो है बेसन गाढ़ा होने लगेगा, क्योंकि अब वो पकने पर आ गया है। और इस पे जो है हम लोग अपना तेल वाली कढ़ाई जो है वो रख लेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर आलू जो है ये भी ठंडा हो गया, जो मिक्सचर है हमारा काफ़ी, और जो हमारा आटा था वो भी अब भीग के थोड़ा सही हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे इस तरह से। आप लोग चाहे तो छोटी या बड़ी भी बना सकते हैं। इसी तरह से आटे की भी हम लोग छोटी छोटी लोइयां जो है ये तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब इसे इसमें डालेंगे इसके बॉल को, और उसको कचौरी का शेप दे देंगे। इस तरह से एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। जिस साइज का ये बॉल है हमें उस साइज का ये बॉल भी लेना है, ताकि हमारी कचौरी का जो है आउटर पार्ट थोड़ा सा पतला ही रहे। इसे इस तरह से फैलाना है हम लोगों को। इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब पैक करना है,
इसको पैक एकदम अच्छे से आप लोगों को करना है, वरना फ्राई करने के टाइम पे ना ये निकल जाएगा इस तरह से। अब इसे जो है हम लोग बेल लेंगे। आप लोग चाहे तो हाथों से बना लें इसे कचौरी का शेप, या तो फिर इसे चक्का बेलन से बना लें। चलिए अब इसे एक एक करके हम लोग जो है बेल लेंगे। बिल्कुल हल्का सा ही बेलना है, बहुत बड़ा नहीं बेलना है। ये देखिए बस इतना पतला ही हमें बेलना है ये साइज का। मैंने यहाँ पे 3 इंच का बनाया है। चलिए सब बना लेते हैं, उसके बाद आपको फ्राई करना दिखाती हूँ। चलिए 2 से 3 यार मैंने रेडी कर लिया है, इसे फ्राई कर लेते हैं। चलिए ये मैंने कढ़ाई ले ली थी जिसमें मैंने तेल ले लिया, तेल काफ़ी अच्छा गर्म हो गया है। अब धीमी आँच पर ही इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। कचौरी को खस्ता होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। इसे खुद ब खुद ऊपर आने देते हैं, उसके बाद हम लोग इसे जो है पलट लेंगे। ये देखिए दोनों ऊपर आ गया है, अब इसे हम लोग जो है ना पलट लेंगे और अब इसे खस्ता होने तक दोनों तरफ से हम लोग बनाएंगे। देखिए हमारी कचौरी जो है दोनों तरफ से फूल गई है काफ़ी अच्छी। देखिए अब इसे जो है मैं पलट लूँगी और इसे इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने दूंगी दोनों तरफ से, और उसके बाद इसे निकालते हैं और फिर सीधा डिश आउट करेंगे। चलिए इसे निकाल लेते हैं, ये हो गई है। अब इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। लीजिए तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और एकदम खस्ता आलू की पूड़ी और साथ में टेस्टी सी आलू की सब्जी। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।